शुद्ध पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी निगम प्रशासन शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं कर सका है, जिसकी वजह से कैंप क्षेत्र में डायरिया फैला, बैक्टीरिया की चपेट में आकर सैकड़ों लोग बीमार हुए, जिनमें से तीन की मौत भी हुई। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका। डायरिया फैलने के बाद भिलाई निगम ने MIC मेंबरों और निगम अधिकारियों की 9 सदस्यीय जांच टीम गठित की। जांच टीम ने डायरिया होने का कारण लोगों द्वारा पाइपलाइनों में अवैध रूप से किए गए छेद से नालियों का गंदा पानी पाइपलाइन से गुजरने को बताया, जिसके बाद किसी की भी जिम्मेदारी तय न करते हुए सभी को क्लीन चिट दे दी गई। जांच रिपोर्ट पर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भिलाई नगर निगम का मूल काम में से एक सफाई व्यवस्था को है, उससे ही सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए भिलाई नगर निगम का गठन हुआ था, जिसमें कि भिलाई नगर निगम द्वारा प्रति साल करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था के नाम पर खर्च करती है और वही पानी के साफ सुथ पानी को पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट हर साल खर्च किया जा रहा है, परंतु शुद्ध पानी आज तक भिलाई नगर निगम की जनता तक पहुंच नहीं पाया है। वही भिलाई के चुने हुए जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि, जो कि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए भिलाई नगर निगम में भेजा गया है, वही जनप्रतिनिधि और निगम के प्रशासन के अधिकारी लोग मिल के जो 9 सदस्यों की टीम बनाकर भिलाई में जो डायरिया का प्रकोप पूरा फैला था, जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कहीं 500 से अधिक लोग बीमार पड़े थे, जिस पर कि उसका एक जांच कमेटी के द्वारा जो ये बताया गया कि यहाँ पूर्ण रूप से जो दोषी है भिलाई की जनता है, जिन्होंने पाइपलाइन में छेद किया था। जबकि इस तरह का जांच रिपोर्ट देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और भिलाई की जनता के लिए अपमान है, जिसका हम सबसे पहले कड़ी शब्दों में निंदा व्यक्त करते हैं और साथ ही हमारे चुने हुए महापौर के द्वारा उसे सहमति प्रदान करना एक जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन कमेटी के द्वारा जांच किया जा रहा था, संपूर्ण रूप से वही लोग दोषी है जो आज भिलाई में डायरिया पीलिया जैसे बीमारियों से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा है।